यहाँ पे एक एक भगत पर पता कौन सी कृपा होगी। तू कृपा कर बाबा, इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। यहाँ देखो सबको मिलना चाहिए यार, सबको मिलना चाहिए, आपके पीछे बैठा उसको भी मिलना चाहिए। हे श्याम बाबा, यहां जितने भगत बैठे हैं, एक एक भगत को इतना क्षमतावान बना दो कि ऐसा आयोजन अकेला अकेला भगत ही करवा कर चला जाए। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई कहने बनवाऊंगा लंदन के फूलों से। ये अभी कालका जी में कीर्तन है, वो भाई साहब पीछे बैठे हैं उनके यहाँ कीर्तन है, और ये इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि लंदन से कौन आ रहा है, आता हुआ फूल की माला ले आएगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा, और कीर्तन कराऊं ऐसा, मैं इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कौन कौन करवाएगा कीर्तन, ताली बजाने का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और घर पर बैठे 1000-1500 सुन रहे हैं, बाद में लाखों देखेंगे, है ना? संभाल खा, जो देखेगा ना और जो भी देख रहा है उन सबको बता दूं, ये जो तालियां बज रही हैं ये आपके लिए भी बज रही है, क्योंकि कर भला चाचा, एक फल सड़ा हुआ हो मंदिर में चला जाए तो पुजारी बाहर निकाल देगा सिंगल फल, और वही फल अगर टोकरी में नीचे सेट कर दिया जाए और टोकरी ले जाई जाए तो पंडित जी क्या कहेंगे, बोलो बिल्कुल नजदीक रखो ठाकुर जी। हम अपनी अर्जी लगाते हैं वो सड़ा हुआ फल है, शायद बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन जब सबकी अर्जी लगाएंगे तो हमारा फल भीतर जाएगा है? मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, भोग बनाऊंगा तेरे सावरिया। आप कहां से आए भाई, सोनीपत? लो भाई, मैं सोनीपत से भी तेरे भगत बुलाऊंगा, ये
जवानी है हमारे हरियाणा की। मीडिया वाले देख लें इसको, एबीपी न्यूज, आज तक सब दिखाते हैं, बोले लड़के मोटरसाइकिल रात को घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिखाओ दुनिया को कि हरियाणा की कुंडली की बॉर्डर की जवानी सांवरे के नाम का नशा करती है भाई। हैं? और मारा तो और पानी पताड़ा छोरा, नीरज चोपड़ा, उसके लिए ताली बजा। हाँ, मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा अब करो इतर ले आऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, एक आदमी देखा मैंने, दो आदमी ले रखे थे उसने, सोनीपत वालों सुनना ध्यान से, 11 दिसंबर को सोनीपत आ रहा हूं। हर जगह का अपना एक माहौल होता है, भजन चाहे वही होता हो लेकिन आबो हवा में फर्क होता है, क्योंकि हर भगत का भाव अलग होता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग देखा मैंने खाटू में लगाते हुए। दिल्ली का सेठ आया, दो आदमी साथ लेके आया, उठा ले आजा, जा रख दे बाबा भोग लगाना, इधर उठा ले आजा। और एक मारे रहने की जाटनी, चार लाडू मुंह गए, थाली में धर गए, सिर के ऊपर न्यातने में बांध के, और 5 घंटे की शाम बगीची के आके से वो औरत लाइन में लाग गई, पसीना टप 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 के, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया थाली के, और जैसे ही बाबा दिखया न्यातना खोलिया लाडू लिया, लरा बाबा लरा बाबा लरा बाबा, तेरा खतर बना के लेके आई थी, 4 दिन हो गए बनाए ने, खाके बता खाटे तो कोने हो गए, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर कहां से भाई साहब, मैं एक एक कर कर के हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक एक कर कर के हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन कीर्तन करा ऐसा, मेरी एक बात मानोगे, जिस दिन कीर्तन हो 56 वो खरीद के मत लाना, आपकी इतनी बड़ी समिति है, 56 परिवारों में अलग अलग भोजन बनवाना और सबका उन्हीं के हाथों से बाबा को भोग लगवाना, एक एक चीज सबसे। 56 भोग पता क्यों लगाते हैं, आज क्या दिन है, गोवर्धन पूजा, आज के दिन 56 भोग लगा था जब यह प्रथा शुरू हुई, ठाकुर जी ने कितने दिन के लिए गिरधर उठाया था, 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के कान्हा पूतना को मारे थे, 7 दिनों तक गिरधर उंगली पे धारे थे, 7 दिनों, और एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो ब्रजवासियों ने 8 पहर में अलग अलग भोजन ठाकुर जी को कराया था, तो 8 × 7 कितने होते हैं, इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है, और कोई बात नहीं, मैं एक एक कर कर के हाथों से खिलाऊंगा, कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा।
नरेला वाले भी आए भाई है? और मैंने बड़ा अच्छा दिन दिया नरेला को 26 जनवरी। हाँ जी बाबू जी। नहीं महाराज जी, ये मेरे को लग रहा है अपनी देके जा रहे हो। बांधो मत, सर्दी है, बांधे कौन है भाई, गोटे है आप भाई, कौन से गांव से आए हो, अटेरना। देखो आपके कीर्तन को सफल बनाने के लिए किस किस गांव से लोग आए, इनका क्या प्रेम है आपसे, आपसे क्या कोई बात करी, किसी ने आपने किसी को कहा, ये आपकी भावना है जो इनको खींच के ले आई। आप में भावना ना होती तो ना तो वो आता ना ये आते। कौन कौन चाहता है हर साल टीडीआई में ये कीर्तन हो, ताली बजा जरा, मांगने जा रहा हूं, इसके बाद कथा सुनाऊंगा। टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन समाल खास है। दिल का मामला है, दिल का है। अरे सोचो जरा हुजूर, सोचो जरा हुजूर, सोचो जरा हुजूर, आए ना जो तुम सावरे, मेरा क्या है कसूर। किसने बाबा से पाया है, ताली बजाकर गाना। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैं जहां खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया, उसकी माया है कि नहीं है। मैं याद नहीं करना चाहता कोरोना के समय को, क्योंकि बहुत गंदा था, लेकिन फिर भी उससे सीखना चाहिए। सांस सिर्फ यही दे सकता है, इसके अलावा कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं करता साहब। आप खुद सोचो, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको आप में से किसी ने पानी दिया क्या, लेकिन ये हमेशा हरे मिलते हैं आपको, आपने तो कभी पानी